आज भारत के आसमान में वो नजारा दिख रहा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। बेंगलुरु में आज से एयरो शो का आगाज हो रहा है और थोड़ी देर बाद इस एयरो शो में स्वदेशी विमान तेजस, इसके अलावा राफेल और इसी तरह से Su-30 MKI ध्रुव हेलीकॉप्टर अपना दम दिखाएंगे। तो हमारे साथ संवाददाता टी राघवन जुड़ गए। राघवन, और कितना वक्त लगेगा इस एयरो शो को शुरू होने में? देखिए अमित, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना भाषण दे रहे हैं। इसी भाषण में वो इस एयरो शो 2021 को डिक्लेयर ओपन करेंगे। उसके बाद जो मंच आप देख रहे हैं, ये एक मोबाइल मंच है, उसे यहाँ से हटाया जाएगा, कुछ मिनट का वक्त उसमें लगेगा और उसके बाद एक शानदार एयर डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर इस बार का जो एयरो इंडिया है वो काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि कोविड पैंडेमिक के दौरान इसे किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह के उत्साह में यहाँ पर कमी नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा खचाखच ये इनॉग्रल एरिया भरा हुआ है और उस वक्त का इंतज़ार यहाँ पर मौजूद हर उस शख्स को है जब एक शानदार एयर डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोविड पैंडेमिक की वजह से इस बार कम फॉरेन पार्टिसिपेशन है। आप देखिए जैसे तालियों की गड़गड़ाहट हुई, रक्षा मंत्री ने इसे बनाया जा ओपन कर दिया है, इसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद अब कुछ मिनटों की देरी में यहां से ये शानदार शुक्रिया, आपने हमें जानकारी दी कि अब से थोड़ी देर में ये जो एयर डिस्प्ले वो शुरू हो जाएगा जिसमें भारत अपनी ताकत दिखाएगा। लौटेंगे आपको सीधे लिए चलेंगे एयरो शो में और थोड़ी देर में राफेल हो या फिर सुकोई हो ये भी अपना जौहर दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।